आर चैनल EMCIQ इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं, दिक्कत देते हैं, और आज उसकी क्लास थर्ड है। पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी ऐसे वर्ड सीखे हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता था, लेकिन अब कुछ दूर है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है, और इस वीडियो की सहायता से भी आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको प्रोनंसिएशन में तो दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो वोकेबलरीज क्या है। फर्स्ट दो वर्ड हैं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो फर्स्ट वर्ड है जिसके लास्ट में SE है, और सेकंड वर्ड है जिसके लास्ट में CE है। फर्स्ट जो SE है, प्रैक्टिस का मतलब है प्रयास करना, एंड सेकंड वर्ड जो है उसका मतलब है केवल प्रयास। तो दोनों क्या एक चीज़ है? नहीं है। प्रैक्टिस यानी कि प्रयास करना एक मेन वर्ब है, लेकिन प्रैक्टिस जिसका मतलब केवल प्रयास है, जो कि मेन वर्ब नहीं है। तो दोनों वर्ड का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस बिफोर द एनी परफॉर्मेंस। हमें किसी भी परफॉर्मेंस से पहले क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जैसे कि मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से प्रैक्टिस एक मेन वर्ब है तो उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस यानी कि प्रयास है, तो प्रयास हमें परफेक्ट बनाते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसका बार बार प्रयास करते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, निखरते हैं। ठीक है, उस प्रकार से अगले दो वर्ड हैं एडवाइस एंड एडवाइस। दोनों सेम है, प्रोनंसिएशन सेम है। ओके, एडवाइस जो फर्स्ट वर्ड है जिसके लास्ट में SE आ रहा है, एक मेन वर्ब है, एंड सेकंड जिसके लास्ट में CE आ रहा है, एडवाइस इसका मतलब सलाह, और एडवाइस जिसके लास्ट में SE है उसका मतलब सलाह देना। ठीक, उनका सेंटेंस में उपयोग देखिए आर टीचर्स एडवाइस अस टू फोकस ऑन स्टडी, यानी कि हमारे टीचर हमें स्टडी पर फोकस करने के लिए एडवाइस देते हैं, यानी कि सलाह देते हैं। और उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट वी नीड टू हैव एडवाइस टू टेक मेडिसिन। इस सेंटेंस का मतलब है हमें मेडिसिन लेने से पहले हमारे पास एडवाइस होनी चाहिए, और या फिर उसकी ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत, और इस एडवाइस का मतलब क्या हो गया? सलाह। ठीक है, नेक्स्ट दो वर्ड हम देखते हैं प्रोफेसी एंड प्रोफेसी। जो फर्स्ट प्रोफेसी SY के साथ है उसको हम प्रोफेसी भी बोल सकते हैं और प्रोफेसाई भी बोल सकते हैं, और जो लास्ट वर्ड है CY के साथ प्रोफेसी, इसको प्रोफेसी ही बोलेंगे और उसको प्रोफेसी या प्रोफेसाई भी बोलते हैं। दोनों के प्रोनंसिएशन सेम हो सकते हैं, देखने में भी सेम लग सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली वर्ड है SY के साथ उसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, सेकेंड का मतलब है केवल भविष्यवाणी। सेंटेंस देखिए डोंट थिंक टू प्रोफेसी अबाउट इलेक्शन, यानी कि एक लड़का है जो बार बार इलेक्शन का प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करता रहता है, और लेकिन उसकी भविष्यवाणी कभी भी सही नहीं निकली, तो उसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन की भविष्यवाणी के बारे में मत सोचो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई डोंट बिलीव ऑन योर प्रोफेसी, यानी कि मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें प्रोफेसी क्या है? एक मेन वर्ब है, लेकिन लास्ट जो है वो है एक प्रोफेसी मतलब केवल भविष्यवाणी। ठीक है, अगला दो वर्ड है मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। फर्स्ट जो मॉर्निंग है उसका मतलब आप सभी को पता है सुबह, एंड सेकंड जो मॉर्निंग है उसका मतलब है शौक, यानी कि उस चीज़ के बारे में दुख होना, शौक लगना। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए ऋतिक गोज टू मॉर्निंग वॉक, आप सभी को पता है ऋतिक जो है वो मॉर्निंग वॉक जाता है। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए ही इज इन मॉर्निंग, यानी कि शौक में है, क्रीप ओवर भी बोल सकते हैं, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज पेट डॉग, यानी कि उसके कुत्ते की एक्सीडेंटल डेथ हुई है डॉग की। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग का मतलब क्या है? शौक में होना, यानी कि क्रीप ओवर यानी कि दुख होना। ठीक है, तो मॉर्निंग एंड मॉर्निंग प्रोनंसिएशन सेम है और इनका मतलब अलग अलग है। एंड लास्ट जो हमारी दो वोकेबलरीज है वो है ट्रू एंड ट्रूथ। जो ट्रू है इसका मतलब क्या होता है? सही, और ट्रूथ का मतलब होता है सच। सेंटेंस में उपयोग देखिए तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए इट इज ट्रू दैट देयर आर डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रूथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सही है कि ट्रू और ट्रूथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, या फिर डिफरेंस है। एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसको फांसी लगने वाली है, लेकिन वो निर्दोष है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक दिन मिल रहा है, ठीक है, और सबूत ढूंढना है, तो उसके लिए एक सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं इट विल बी लेट व्हेन ट्रूथ विल कम ट्रू, यानी कि
यह लेट हो जाएगा जब तक ट्रूथ यानी कि सच विल कम ट्रू यानी कि वो सही होगा, क्योंकि सबूत लाने में समय लगेगा। तो ट्रू का मतलब क्या हुआ? सही यानी कि करेक्ट, और ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? सच। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू पीपल एंड लर्नर्स, थैंक यू सो मच।